पेटीएम स्केच कार्ड अपडेट। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक भारद्वाज आप सबका फिर से स्वागत करता हूं अपने आज के वीडियो में। मेरा आज का वीडियो पेटीएम के लेटेस्ट अपडेट को लेकर जुड़ा है, जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा पेटीएम के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो चलिए पूरी जानकारी के लिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं अपने से आप सभी लोगों के लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ जो आप सभी लोगों के लिए काफी काम के साबित होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, पेटीएम के अंदर कुछ ना कुछ अपडेट आते ही रहते हैं। अब कुछ खास अपडेट इसके अंदर आ गए हैं, इसका पूरा इंटरफेस चेंज हो चुका है। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और वहीं पर मैं आपको इसके अपडेट की जानकारी देता हूँ। तो चलिए सीधा हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। ये मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ, यहाँ से मैं पेटीएम एप्लीकेशन अपनी ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए बिल्कुल नया इंटरफेस है। ये इंटरफेस काफी पहले ही आ गया था, लेकिन अब इसमें काफी कुछ चेंजिंग किया गया है। अभी यहाँ देखिए आपको कहीं भी कैशबैक का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, वरना ऊपर की साइड में आपको यहाँ कैशबैक का ऑप्शन दिखाई देता था, जिस पर आप क्लिक करके अपने कैशबैक को देख सकते थे। पहले मैं आपको इसका वर्जन दिखा देता हूँ। यहाँ मैं 99 क्लिक करता हूँ और यहीं पर देखिए यहाँ मेरा नाम लिखा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए वर्जन 8.7.1 अभी मेरे पास में ये वर्जन है और मैं इसका यूज कर रहा हूँ। तो आपको ऊपर कहीं भी देखिए इसका कहीं भी कैशबैक का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, अभी फिलहाल आपके मुझे दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जब आप इसको इस वाले वर्जन में अपडेट करेंगे तो आपको यहाँ कुछ भी ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। तो काफी कुछ चेंजिंग इन्होंने कर दिया, लेकिन अगर आपको वो ऑप्शन देखना है तो कहाँ देखना, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ दो लाइनों पर क्लिक करना है, यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा माई वाउचर का, तो आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते ही देखिए आपके सामने बिल्कुल नया इंटरफेस आ चुका है, पहले ऐसा इंटरफेस बिल्कुल भी नहीं आता था। सबसे ऊपर देखिए आपको यहाँ कैशबैक का ऑप्शन दिखाई देगा कि आपने कितना कैशबैक इसके माध्यम से अर्न किया है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे इसकी पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। ये देखिए हर डेट आ जाएगी कि इस डेट में मैंने कितना कैशबैक इसके माध्यम से अर्न किया है। तो आप इस तरह अपना कैशबैक भी चेक कर सकते हैं। अगर आप पेटीएम फर्स्ट केम एप्लीकेशन यूज करते हैं तो वो भी आपको यहाँ दिखाया जाएगा। फिलहाल मेरे केस में यहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं इसका यूज नहीं करता। इसी के नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है वाउचर एंड डील का। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए एक वाउचर का ऑप्शन आ जाएगा, डील का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ क्लिक करके आपका जो भी वाउचर कोड है वो आपको दिखाई देगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास में डीटीएच रिचार्ज का है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने इसका कोड आ गया। इस कोड को मैं कहीं भी आराम से यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ से फिलहाल मैं बैक आ जाता हूँ, मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। अब इसी के नीचे देखिए आपको स्केच कार्ड एंड कैट कैशबैक का भी ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ इन्होंने काफी सारे स्केच कार्ड दे रखे हैं, लेकिन हर स्केच कार्ड में आपको अलग अलग कैटेगरी देखने को मिलती है। जैसे कि पहले वाला स्केच कार्ड है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए इस पर लिखा है पे यूजिंग पेटीएम यूपीआई अप टू 150 कैशबैक। यानी ये वाला जो स्केच कार्ड है ये यूपीआई के साथ जुड़ा है। जब आप इसके माध्यम से किसी को मनी ट्रांसफर करेंगे तो आपको यहाँ स्केच कार्ड स्केच करने का मौका मिलेगा। और यहीं पर देखिए आपको डिटेल का भी ऑप्शन दिखाई देता है, डिटेल पे क्लिक करते ही आपके सामने इस स्केच कार्ड की पूरी डिटेल आ जाएगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको इस स्केच कार्ड को किस तरह यूज करना है। इसमें आपको 10 से 50 रुपए तक का कैशबैक बहुत आराम से मिल सकता है, और जो इसकी वैलिडिटी डेट है वो है 29 फरवरी 2020। तो यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ, यहाँ से भी बैक आता हूँ। अब हमारा सेकेंड वाले जो कूपन कोड हमको दे रखा है हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर देखिए टाटा स्काई रिचार्ज अप टू 2020 कैशबैक। तो ये टाटा स्काई का रिचार्ज है, अगर आप इसके माध्यम से टाटा स्काई का रिचार्ज करते हैं तो आपको 2020 तक का कैशबैक इसके अंदर मिल सकता है। डिटेल पे क्लिक करके आप इसकी पूरी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ इन्होंने सब मेंशन कर रखा है कि किस किस तरह आपको रिचार्ज करना है और ये ऑफर कब तक वैलिड है, इसकी डेट भी इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखी है। इस ऑफर को एक्टिवेट करने के नाम भी आपको यहाँ देखिए एक्टिवेट वाले ऑफर पे क्लिक कर देना। तो फिलहाल मैं आप यहाँ एक्टिवेट वाले ऑफर पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं फिलहाल आपको वैसे ही बता रहा हूँ। हम इसमें से जो पहले वाला यूपीआई ट्रांजेक्शन का है इस ऑफर को जरूर एक्टिवेट करके देखेंगे। इसके बाद ये देखिए नेक्स्ट अनलॉक आफ्टर वन डिश टीवी रिचार्ज। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए आपको 1400 रुपये का कैशबैक दिखा रहेगा, आपको 1400 रुपये का कैशबैक यहाँ मिल सकता है, जिसमें से आपको 200 रुपये का मूवी वाउचर भी मिलेगा। डिटेल पर क्लिक करके आप इसकी पूरी डिटेल पता कर सकते हैं और उसकी वैलिड डेट भी देखिए 22/5/2020 यहाँ मेंशन कर रखी है
और पूरा इन्होंने लिखा है कि आप किस तरह इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। इसके बाद हम ये लास्ट वाला देख लेते हैं, मेगा ऑफर 1500 प्लस कैशबैक। यू आर वन पेमेंट फ्रॉम विनिंग ₹30 इलेक्ट्रिसिटी वाउचर। जब आप यहाँ डिटेल पे क्लिक करेंगे तो डिटेल पे क्लिक करके आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसमें भी आप ₹1500 तक का कैशबैक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपने ओर से DTH चार्ज या कोई बिल पेमेंट करते हैं या गोल्ड लेते हैं, फ्लाइट टिकट बुक करते हैं या कुछ भी आप अपने मोबाइल के माध्यम से करते हैं तो आप इस कूपन को यूज कर सकते हैं। तो जितने भी ऑफर्स है इनको एक्टिवेट करने के लिए नॉर्मली आपको एक्टिवेट करना है। तो हम फिलहाल इसमें से ये पहले वाला जो पेमेंट वाला है इसको एक्टिवेट करते हैं। तो चलिए हम यहाँ सीधा पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। मैं आपको फिलहाल एक मनी सेंड करके दिखा देता हूँ कि जब हम मनी सेंड करके तो ये जो ऑफर है हमारा एक्टिवेट होता है नहीं होता है। तो चलिए यहाँ से मैं एक मनी सेंड कर देता हूँ। यहाँ मैंने यूपीआई आई डी डाल दिया। अब यहाँ से फिलहाल मैं ₹100 या यहाँ से ₹200 मैं सेंड कर देता हूँ। तो सीधा प्रोसेस पे क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ अपना यूपीआई पिन डाल देता हूँ। यूपीआई पिन डालने के बाद आपको बस थोड़ा सा वेट करना है। ये देखिए हमारी मनी सक्सेसफुली सेंड हो चुकी है। तो चलिए अब हम यहाँ से होम पे क्लिक करके दोबारा से सेंड पे क्लिक करके माय वाउचर पे क्लिक करते हैं और इस पे क्लिक करते हैं। अभी यहाँ आप देख रहे हैं अभी जो मेरा एक ग्रीन हो चुका है। तो अभी मुझे दो बारी और मनी सेंड करनी होगी, उसके बाद में जो मेरा ये स्केच कार्ड है ये अनेबल हो जाएगा और उसके माध्यम से मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितना कैशबैक इसके माध्यम से मिलने वाला है। तो इसको हम ऐसे क्लोज कर देते हैं। इसी के नीचे देखिए आपको टॉप कैशबैक ऑफर का भी ऑप्शन दिखाई देता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करते ही आपके सामने से एक्टिवेट ऑफर करने का ऑप्शन आता है। इसमें लिखा है मेक 10 पेमेंट एट और नियर बाय शॉप 25 मोर बिफोर 29 फरवरी। अगर आप अपने आसपास किसी शॉप पे जाके अपने पेटीएम के माध्यम से स्कैन करके कोई पेमेंट करते तो इसमें भी आपको यहाँ कैशबैक मिलने वाला है। जब आप यहाँ डिटेल पे क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ से मैं बैग आ जाता हूँ। इसी के नीचे देखिए आपको अलग अलग कैटेगरी मिल जाती है। इन शॉप पेमेंट ऑफर, मनी ट्रांसफर इन बैंक ऑफर, ऑनलाइन शॉपिंग ऑफर, रिचार्ज इन बिल पेमेंट ऑफर। तो चलिए हम इस पर क्लिक करके देख लेते हैं। इन शॉप पेमेंट ऑफर में देखिए आपको कितने सारे यहाँ कैशबैक देखने को मिलते हैं। आप इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से बैक आता हूँ। मनी ट्रांसफर एंड बैंक ऑफर, यहाँ पर भी देखिए आपको काफी सारे ऑफर देखने को मिल जाते हैं। आपको जो भी ऑफर चाहिए नॉर्मल आपको उस पर क्लिक कर देना है और एक्टिवेट ऑफर नाउ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ फिलहाल मैं कोई भी ऑफर एक्टिवेट नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद हम ऑनलाइन शॉपिंग ऑफर पे क्लिक करते हैं। इसमें भी देखिए आपको काफी सारे ऑफर यहाँ देखने को मिल जाते हैं। आप किसी भी ऑफर पे क्लिक करके कोई भी कूपन को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से मैं बैक आता हूँ। इसके बाद रिचार्ज एंड बिल पेमेंट, रिचार्ज एंड बिल पेमेंट पे क्लिक करके देखिए आपके सामने रिचार्ज वाले ऑप्शन भी आ चुके हैं। नॉर्मली आपको यहाँ क्लिक करना है और पे नाउ वाले ऑप्शन में क्लिक करके जो भी इसका कैशबैक है वो आपको मिल जाएगा। इसमें लिखा है मेक 4 फ्री पेमेंट ऑफ 100 एंड मोर विदिन 365 डे। तो उसी के बाद जाके आपको इसका कैशबैक मिलेगा। तो ये पेटीएम का बिल्कुल नया इंटरफेस है। आप में से काफी लोगों के पास में अभी ये इंटरफेस नहीं आ रहा होगा, लेकिन जल्दी आपके मोबाइल में भी ये इंटरफेस आ जाएगा और आपको कुछ इसी तरह का इसके अंदर कैशबैक देखने को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको पेटीएम के लेटेस्ट अपडेट की जानकारी प्राप्त हो गई होगी। आगे भी आप लोगों के ऐसे ही अपडेट की जानकारी देता रहूंगा। ये जो अपडेट है ये अभी पेटीएम के बीटा वर्जन भी आया है, लेकिन आपको ये अपडेट जल्दी मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।